आना तो दूर की बात है, पलायन में और ज्यादा वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तय करने की जरूरत है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में खुलेआम ये कहता हो कि भैया बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बिहार वाटर लॉक्ड है। तो भैया गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, महाराष्ट्र से लेके, कितने ऐसे राज्य हैं जो वाटर लॉक्ड हैं, और उन्हीं राज्यों में बिहारी जाते हैं काम करने। अगर वहाँ जाकर काम कर सकते हैं तो हमारे प्रदेश में आप रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे सकते? और जब आप एक तरफ कहते हैं, विरोधाभास देखिए इन लोगों में, एक तरफ बोलते हैं कि भैया रोजगार नहीं उत्पन्न हो सकता, दूसरी तरफ चुनावी जुमला कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। पिछले 8 महीने में बताइए ना कितने लाख दे दिया आपने, लाख छोड़ दीजिए, कुछ हज़ार ही दिया हो तो वो भी बता दीजिए, पर यहाँ रोजगार देना, नए रोजगार देना तो अलग बात है। जो बैकलॉग है ये उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कितनी ऐसी सरकारी वैकेंसीज हैं, लगभग 4.5 लाख के करीब ऐसी सरकारी वैकेंसीज हैं जिसको सरकार पूरा नहीं करती, उसको भर्ती नहीं है, और बिहारियों के ऊपर लाठियाँ चलाई जाती है। पीएड के शिक्षक जाते हैं उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं। छात्र, बिहार अनोखा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 3 साल का कोर्स 4-4, 5-5 साल तक उसका रिजल्ट नहीं आता, कौन जिम्मेदार है इसका? इसीलिए आज की तारीख में जिस तरीके से ये जन सैलाब उभर कर आ रहा है, ये एक बात को स्पष्ट करता है कि लोगों का अटूट विश्वास आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ता जा रहा है। मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अंतिम सपना जो संकल्प के तौर पर मुझे देकर गए थे, मुझे खुशी है कि आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट घर घर पर पहुंचे। मेरे साथ तो जो हुआ है अब इसके बाद तो मैं क्या ही परिवारवाद की बात करूं, पर हाँ, काबिलियत को, हुनर को मौका मिलना चाहिए, और काबिलियत छुपाई छुपती नहीं है, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। ABP News, आपको रखे आगे।